सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था अंग्रेजों की लंबी हुकूमत और 1857 के विद्रोह के वहशियाना दमन ने हिंदुस्तानियों की हिम्मत पस्त कर दी थी मगर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत फिर से बढ़ने लगी जैसे जैसे अंग्रेजी तालीम याफ्ता मध्यम वर्ग बढ़ा उनकी मांगें भी बढ़ती गईं पर अंग्रेज उन्हें हर मोड़ पर रोकने को तुले थे आजिज आकर नए बुर्जवाई तबके ने हलचल शुरू कर दी और ये थी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आखिरकार मध्य वर्ग की कई इकाइयों ने अपने संघर्ष के प्रचार के लिए एक संगठन बनाने का फैसला किया इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी शुरू में कांग्रेस बहुत ही नर्म और फूंक फूंक कर कदम रखने वाली संस्था थी जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी जताती और मामूली सुधारों की मांग करती कांग्रेस इस तरह साल दर साल आगे बढ़ती रही मगर कांग्रेस से भी तेज बढ़ी आजादी की चाह और कौमियत का एहसास कौमियत की लहर ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा बंगाल और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक नए भारत के पहले नेता थे जिनका जनता से संपर्क था कांग्रेस के अब दो दल हो गए एक तिलक का गर्म दल और दूसरा कांग्रेस के पुराने नेताओं का नर्म दल नर्म दल के सबसे नुमाया तर्जुमान थे गोपाल कृष्ण गोखले अपने अपने दलों की तिलक और गोखले ने डटकर अगुवाई की स्टडी प्लीज थैंक यू नमस्कार रानाडे साहब नमस्कार गोखले साहब नमस्कार जोशी साहब नमस्कार आपने शायद मुझे पहचाना होगा मैं सुबोध पत्रिका का पत्रकार हूँ हाँ, हाँ, पहचानता हूँ ऐसे अब कंसेंट बिल के बारे में आपकी रिपोर्टों को मैं नित्य पढ़ता आ रहा हूँ धन्यवाद आपसे मैं एक आध सवाल पूछ सकता हूँ हाँ कीजिए एज ऑफ कंसेंट के बिल को लेकर दिन ब दिन विरोध बढ़ता ही जा रहा है और बाल गंगाधर तिलक की धारणा यह है कि यह बिल हमारे शास्त्रों हमारी परंपराओं को नुकसान पहुंचाएगा क्या आप फिर भी इस बिल का समर्थन करते रहेंगे मेरे ख्याल में बिल को एक सही नजरिए से देखना चाहिए जी बिल में विवाह की उम्र बढ़ाने का इंतजाम है 10 से बढ़कर 12 की उम्र
इस उम्र से कम आयु वाली लड़की के साथ विवाह करना और गर्भदान करना चाहे वो उसकी सम्मति से ही क्या क्यों ना हो बलात्कार माना जाएगा। अपनी पत्नी के साथ बलात्कार, जाहिर है कि बिल हमारी बच्चियों की हिफाजत के खातिर पेश किया गया है। मेरे समझ में यह नहीं आता कि विरोध किस लिए हो रहा है। सवाल यह है रानाडे साहब कि सरकार को एक ऐसे मामले में जो पूरी पूरी तरह से सामाजिक समस्या है दस्तंदाजी करने का क्या हक पहुंचता है। वागले, जब लोग किसी दोष की गिरफ्त में हो और खुद अपनी राहत पाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हो तो सरकार को दस्तंदाजी करने का, दोष को हटाने का कदम उठाना ही पड़ता है। जी, पर कट्टरपंथी विरोधकों का कहना यह है कि आप सुधारवादी लोग इस मामले को नाहक तूल दे रहे हैं क्योंकि महिलाएं भी इस बिल के खिलाफ। शायद ये सही है कि अन्याय का सबसे बुरा असर यह पड़ता है कि वो अपने कुचले हुए शिकार के मन में इतनी निराशा पैदा कर देता है कि शिकार खुद अपने शिकारी के तलवे चाटना शुरू कर देता है। हमारी असहाय महिलाएं अगर कट्टरपंथियों की भीड़ में शामिल हो गई है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक आखिरी सवाल रानाडे साहब, तिलक का कहना यह है कि हमारी सरकार एक विदेशी सरकार है और ऐसी सरकार को हिंदू जीवन पद्धति जैसे नाजुक मसले के साथ खिलवाड़ करने की आजादी नहीं दी जा सकती। यह कहना तब सही होता जब विदेशी शासक अपनी तरफ से बिल पेश कर। इस मामले में हमारे शासकों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जरा सोचिए, आखिर वो तो यही चाहेंगे ना, हम जैसे है वैसे बने रहे, असंगठित है तो असंगठित, आचार भ्रष्ट है तो आचार भ्रष्ट, नाटे बोने विकलांग, हमारा सामाजिक जीवन ताकत खोया हुआ रहे, लूला लंगड़ा लकवा खाया हुआ। अच्छा हो अगर आप तिलक जी से ही इस सवाल का जवाब पूछे। जी मैं जरूर पूछूंगा, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे विचार में कानून में सुधार करने की कोई गरज नहीं है। रानाडे और गोखले जिस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि अगर हम खुद अपनी सरकार को बनाने के काम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह दिखाना होगा कि हम अपना बंदोबस्त खुद कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, आपस में तय करके कर सकते हैं, और इस तरह का काम हम ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। कानून और प्रस्तावों से कुछ नहीं होने वाला। मगर तिलक साहब, सुधारवादी तो कहते हैं कि खुद हम ही से ये बात उभर कर बाहर नहीं आई है कि लोगों को विश्वास हो जाए कि देरी से विवाह करना उनके लिए फायदेमंद है। वागले, ये जो लोग अपने आप को सुधारवादी कहलाते हैं इनकी संख्या है कितनी, कोई भी तो इन्हें अपने नेता के रूप में पहचानता नहीं है। सरकार को उनकी राय पर विचार ही नहीं करना चाहिए और इसीलिए विधानसभा में हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो लोगों की धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदलता हो। मगर तिलक साहब, डेक्कन कॉलेज के विख्यात संस्कृत विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने तो शास्त्र के श्लोक पर श्लोक सुनाते हुए यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सयानापन आने के बाद विवाह करना अनुचित नहीं है बल्कि शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों की गलत व्याख्या मत करो, शास्त्रकारों को बीच में मत घसीटो। भंडारकर और उनके जैसे अनेक लोगों से हमारा यही कहना है कि वो अपने तर्क की धार को किसी दूसरी जगह पर जाकर परखें। धर्मशास्त्र कोई वो पत्थर नहीं है जिस पर वो अपनी बुद्धि का उसरा रगड़े। अगर शास्त्रों का सही अध्ययन और सही व्याख्या करना नहीं आता तो कृपया शांत रहें और चुप रहें। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, एज ऑफ कंसेंट बिल वायसराय महोदय की काउंसिल में पेश होने वाला है। यह सभा इस उद्देश्य से बुलाई गई है कि इस बिल द्वारा जो साहसपूर्ण कदम उठाया गया है उसका हम समर्थन करें। प्रस्तावित कानून, प्रस्तावित कानून, प्रस्तावित कानून, सुधारवादी मुर्दाबाद, सुधारवादी मुर्दाबाद, प्रस्तावित कानून, सुधारवादी मुर्दाबाद, क्योंकि इस बिल द्वारा, प्रस्तावित कानून, इस बिल द्वारा उस अनिष्ट का निवारण होगा जो हमारी कम उम्र वाली कन्याओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। राव साहब, पुणे के तथाकथित प्रमुख महानुभावों का बर्ताव देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह तो गुंडागर्दी हुई, मैं तो ऐसे लोगों से संबंध ही नहीं रखना चाहता हूं। दरअसल मैं उस दिन की राह देख रहा हूं
कि मुझे उनसे सीधे बातचीत करने का मौका ही न मिले। ऐसा मत सोचिए गोपाल राव, उस तमाम आंदोलन को हमारी विजय मानी है। बिल तो पास हो ही चुका है ना, बस हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया। ये मत भूलिए गोपाल राव कि जब तक हम सुधारवादी है तब तक अल्पसंख्यक ही बने रहेंगे। बहुसंख्यक तो कट्टरपंथियों के साथ रहते ही आए हैं। उससे लिए आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ताकत बटोरिए। अभी बहुत सा बड़ा काम बाकी है और इसीलिए मैंने आप दोनों को आज यहां बुलाया है। राव साहब, मैं क्षमा चाहता हूं उनके बर्ताव के लिए। आप दोनों जानते हैं कि कई सालों से हम लोग कांग्रेस में हैं और यह महसूस करते हुए आ रहे हैं कि कलकत्ता में बैठी सरकार को अर्जियां लिख लिख कर आज तक एक भी काम नहीं बन पा रहा है। नौकरशाही ने कभी बदली है न बदल सकती है। हमारी निषेध प्रदर्शन को वो चारा भी नहीं देगी। इसलिए दिमाग में आता है कि इंग्लैंड की लोकमत को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे कुछ इंग्लिश मित्र है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी शिकायतों को आवाज दे रहे हैं। हमें भी रीतिबद्ध ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा अवसर भी सामने दिख रहा है। मुझे लंदन से दादा भाई नवरोजी ने लिखा है कि एक नया रॉयल कमीशन नियुक्त किया जा रहा है जो हमारी शासन संबंधी और आर्थिक मामलों को लेकर उठाए गए शिकायतों पर विचार करेगा। हिंदुस्तानी गवाहियों के साथ बातचीत भी करेगा। मैंने कहा था कि मैं बतौर गवाह जाने के लिए तैयार हूं, मगर हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं न्यायाधीश के पद पर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस काम के लिए मैं आपके नाम की सिफारिश करना चाहता हूं गोपाल राव। ये तो आपकी बड़ी कृपा है राव साहब, लेकिन आप नेक हैं, तेज दिमाग रखते हैं, बात मनवाने का तरीका भी आप जानते हैं। ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। लेकिन राव साहब, मैं आर्थिक व्यवहारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। गणेश पंत आपकी मदद करेंगे, अर्थशास्त्र के वो गहरे जानकार है। मैं भी थोड़ा बहुत कुछ समझता हूँ। हम दोनों मिलकर आपकी तैयारी करा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करा देंगे। तो फिर क्या विचार है? अगर आपको भरोसा है कि ये काम मैं कर सकता हूं तो मैं जरूर मेहनत करूंगा। यही कारण है मित्रों, हम मान भी लें कि शिवाजी महाराज ने पहले अफजल खां पर हमला किया तो भी किसी लेखक को उन्हें हत्यारा कहने का कोई अधिकार नहीं है। यूरोप का नीतिशास्त्र, जिसका बुनियादी सिद्धांत है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा लाभ, वो नीतिशास्त्र शिवाजी महाराज पर कलंक नहीं लगा सकता। शिवाजी महाराज ने तो एक महान कर्तव्य पूरा करने के लिए एक छोटे से कर्तव्य को नजरअंदाज किया। धन्यवाद। मित्रों, हमें इतिहास के शोध कार्य पर समय न गवाकर फौरन असली मुद्दे पर आना चाहिए। हम मानते हैं कि शिवाजी महाराज ने पहले योजना बनाई और बाद में अफजल खान का वध किया। अब सवाल यह उठता है कि शिवाजी महाराज का यह काम नैतिकतावादी था या अनैतिकतावादी था? इस सवाल को हम दंड संहिता के नजरिए से नहीं देख सकते, ना ही मनु और याज्ञवल्क की स्मृतियों की तरह देख सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी सिद्धांतों के अनुसार भी नहीं देख सकते। समाज को बांधने वाले नियम आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए होते हैं। क्या आप किसी ऋषि के कुल का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या किसी राजा के ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि नैतिकता के आम सिद्धांत महापुरुषों के लिए नहीं होते। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, क्या यह पाप था? मेरी राय में बिल्कुल नहीं। बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ काम, इसमें कभी कोई दोष नहीं होता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपके मकान में एक चोर घुस आता है और आपके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि उसे धक्के देकर बाहर निकालें, तो आप क्या करेंगे? मेरा जवाब है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कमरे में बंद कर दीजिए और जिंदा जला दीजिए।
विदेशियों को ईश्वर ने ताम्रपट लिखकर ये हाथ में नहीं दिया है कि ये लो हिंदुस्तान का राज्य और मौज करो। मेरी बात आप लोगों के ध्यान में आ रही है ना? अपने दृष्टिकोण को विशाल कीजिए, कुएं के मेंढक मत बनिए, दंड संहिता को ताक पर रख छोड़िए और महापुरुषों की जिंदगी पर विचार कीजिए। धन्यवाद। मिस्टर गोखले, दिस कमीशन इज वेरी हैप्पी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन योर ओपिनियंस अपॉन सर्टेन क्वेश्चंस कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। Now, according to you, the exploitation of your natural resources has retarded your material progress. Now, could you tell me how the establishment of the railway has retarded your material progress? At present, the vigorous manner in which the railways are being constructed, neglecting more useful things, has resulted in the exploitation of our resources by the indigo, tea, coffee, and other planters. The policy of free trade has been forced on us too early, thereby destroying all our important industries, throwing all our people on the precarious resource of agriculture. But then the opening of fresh trade must have the opposite effect, must it not? But that effect is very little. We only get wages there. Everything else, profit and surplus, goes out. Why haven't you been able to develop these new trades and industries? Mainly because our capital is taken out of our country. If that were not so, we would be able to preserve what we produce. We would be able to welcome foreigners to do what they liked. We would be able to compete with them on equal grounds. But now, we are reduced to mere laborers, to cutting of wood, drawing of water. It is like a house where there is only one person, and he is a paralytic. And there are a number of good things in the house. That person cannot take advantage of those things. But other people come in, throw pittance to him, and take away all his things. Take them away? But we buy them, Mr. Gokhale. Now take the case of the railroad. England buys a share of the proceeds of this industrial undertaking by providing these rails. Now, is this not an exchange between our two countries? Yes. But you throw pittance to us in the form of wages. The profits are taken away by you. But surely, Mr. Gokhale, England buys these goods and sends them over. And in all fairness, the result is nothing more than a very fair bargain between our two countries. But sir, these are our resources. Why should English capital alone find its investment here? What prevents Indian capital from being invested? Why do you say that you do not have this capital? The natural resources are our own. The land is our own. Everything is our own. But we have no capital. Because for the past few years, we have been treated as a vassal dependency, bound to render our services to the sovereign power and to place our resources whenever required at its disposal. As a result, millions of rupees have been spent on objectives which have not advanced the welfare of Indian people, even so as by an inch. Even the empty sense of glory, which is a kind of barren compensation to self-governing nations, is not available to us as a consolation. Not only vast sums of money been thrown away, but as a direct result of that expenditure, the country is now pledged to indefinite liabilities in future. All this has gone on while the expenditure on objectives which alone can secure the true welfare and prosperity of the Indian people has been woefully neglected. कल प्लेग में कितने मरे? 60। पिछले हफ्ते के मुकाबले में अच्छा औसत चल रहा है, मालूम पड़ता है प्लेग कमेटी के प्रमुख वाल्टर रैंड की कठोर कार्रवाई कारगर साबित हो रही है। शायद, लेकिन उसके उजड़े तरीकों का क्या नतीजा होगा कौन जाने। आ!
आपका केसरी का यह संपादकीय सरकार की आंख में खटके बगैर नहीं रहेगा बलवंत राव। जरूर खटकना चाहिए, पर मैं सच कहता हूं प्रोफेसर जिंसी वाले, ये रानी विक्टोरिया की जुबली मनाने का सही वक्त नहीं है, कम से कम भारत में तो नहीं ही है। ये 60 साल की सालगिरह हमारी उन्नति की नहीं है, हमारी अवनति की है। कैसा दुर्भाग्य है कि हमें रोज बरोज ये देखना पड़ रहा है कि कैसे विदेशी शासन के रूलर तले रौंदी जाने वाली हमारी जनता कैसे अधपतित हो जाती है। खासकर इस साल अकाल, प्लेग और भूचाल की वजह से लोगों की हालत बहुत खराब है। आप सही कह रहे हैं बलवंत राव, ये वाल्टर रैंड और उसकी प्लेग कमेटी के उद्दंड उपायों से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? हाँ, फिलहाल प्लेग पर जरूर काबू पा लिया गया है। मुझे उद्दंड तरीकों से एतराज नहीं है, पर यह रैंड एक ऐसा इलाज साबित हुआ जो बीमारी से 100 गुना भयानक है। गरीब लोगों पर अत्याचार, दो मासूम महिलाओं के ऊपर बलात्कार, भयानक भयानक। सुना है एक औरत ने आत्महत्या कर ली। हालात बहुत खराब है। मैंने कविता लिखी है प्रोफेसर जिंसी वाले, जो मैं केसरी में छापना चाहता हूं। अच्छा, विषय क्या है? अगर शिवाजी महाराज आज जीवित होते तो इस देश की बिगड़ती हुई हालत को देखकर क्या सोचते। पढ़ू? अवश्य पढ़िए। तिलकर, खाड़िलकर, तुम भी सुनो। अपनी आंखों देख रहा हूं अपने घर की अजब तबाही, क्या इस दिन की खातिर मैंने अपनी संपदा लुटाई। कहां खो गया उष्ण रुधिर वो जो धरती को सींचा करता, जिसके बल पर मैं मृगेंद्र सा शत्रु नाश को दौड़ा करता। कैसे दिन आए हैं शिव शिव, मेरे दुर्ग बने हैं खंडहर, कुटिल विदेशी ले जाते हैं देश की लक्ष्मी ये घसीटकर। गई सबलता गई विपुलता, अब तो उल्लू बोल रहे हैं मन के सन्नाटे के भीतर, भय की स्याही खोल रहे हैं, भय की स्याही खोल रहे हैं। और आगे भी कुछ ऐसे ही लिखा है, कहिए कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त है, कविता में वे सब बातें आ गई है जो हमारे मन को लगातार मत रही है। आप मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं बलवंत राव। रैंड की हालत गंभीर, ऊना में पुलिस दस्ते पहुंचे, मिस्टर रैंड की मौत। मिस्टर गोखले, द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आर सेइंग दैट द किलिंग ऑफ वाल्टर रैंड इन पूना वाज प्रोवोक्ड बाय सेडिशियस राइटिंग्स इन द वर्नाक्युलर प्रेस एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर कंस्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देयर कैन बी नो डाउट that the deplorable outrages of June 22nd are connected with the measures taken in Pune against the plague. It is wrong to assign the blame to certain sedition mongers, whether in the vernacular press or elsewhere, and in regarding the occurrence as a symptom of general unrest. It was purely a local occurrence due to purely local causes. British soldiers, ignorant of the language and contemptuous of the sentiments, customs and religious susceptibilities of the people, were let loose upon the town. They had wantonly destroyed property, appropriated jewelry, entered kitchens and places of worship, spat upon idols, contaminated food and dragged women into the streets for inspection before removal to the hospitals. My correspondents, whose words I can absolutely trust, report the violation of two women, one of whom is said to have afterwards committed suicide rather than survive her shame.
Well, who are these correspondents? I'm afraid I cannot reveal their names. These reports were made to me in confidence. Sir, you have made a serious charge against the soldiers engaged upon the plague operation. Now, don't you think it's beholden upon you to furnish evidence of these allegations? I completely agree with you. But as I said before, I am not in a position to do so at this moment. I am returning to Pune. I'll furnish the proof very soon. Well, I'm sure our readers and the government look forward anxiously to receiving your proof. Yes, gentlemen. Are you Balgangada Tilak? Yes. I have here a warrant signed by the Chief Presidency Magistrate for your arrest. You will have to come with me. But what's the charge? Sedition. Oh, I see. जरूर कहीं कोई गलती हो रही है। कोई गलती नहीं हो रही है केलकर। सरकार रैंड के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है ना? इसीलिए बलि का बकरा तलाश रही है। पुना के प्रमुख नेता से बढ़कर और वो भी ब्राह्मण। सरकार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब सरकार कहेगी कि केसरी में छपे मेरे लेखों ने कातिलों को भड़काया है, उकसाया है। और तमाशा ये कि मेरा न्याय अंग्रेज जज करेगा, जो हमारी भाषा पढ़ना लिखना तक नहीं जानता। विदेशी हुकूमत में ऐसा ही होता है। I have to ask you, sir, to accompany me now. Of course. केलकर, खाडिलकर, मैं अपना केसरी अखबार आपको सौंप कर जाता हूं। आप उसे वही प्रेरणा से चलाना जिस प्रेरणा से हम लोग चलाते आए हैं, समझे ना? Come, let's go. राजनिष्ठा के इल्जाम में धरपकड़ और देश निकाले की सजा ने लोगों को आतंकित कर दिया है राव साहब, और इस हालत में कोई आगे नहीं आ रहा है कि उन दो महिलाओं के अत्याचार की गवाही दे। सरकार भी शिकायतों के बारे में पब्लिक इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। इस हालत में मुझे लगता है कि लंदन में ब्रिटिश सिपाहियों के खिलाफ मैंने जो बयान दिया था उसके लिए माफी मांग दो। तिलक आपकी मदद कर सकते थे गोपाल राव, लेकिन मुश्किल तो यह है कि जज ने उनकी जमानत की अर्जी तक नामंजूर कर दी। माफ कीजिए गोखले साहब, लेकिन मेरे ख्याल से आपके माफी मांगने से लोगों में बड़ी निराशा फैलेगी। महिलाओं पर अत्याचार किया गया, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि आप अभी तक गवाह नहीं जुटा पा रहे हैं। और दूसरा, आपने जो इल्जाम लगाया था वो सद्भाव से लगाया था। आपने किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा था कि ये और ये अत्याचार के लिए जिम्मेवार है। नहीं, वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चला सकते। पगड़ी, मैं जानता हूं ब्रिटिश मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसीलिए एक सज्जन व्यक्ति की हैसियत से मुझ पर और जिम्मेदारी आ पड़ती है। तिलक की गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी की वजह से हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों में जातीय तनाव बढ़ रहा है। गोपाल राव की क्षमा याचना से हो सकता है मामला कुछ ठंडा पड़ने में मदद मिलेगी। नहीं राव साहब, मेरे ख्याल से ये माफीनामा भीड़ में घी का काम करेगी। और अगर आप मुझसे पूछें तो हमारा कोई प्रतिष्ठित नेता अगर बगैर कोई गलती किए अंग्रेजों से माफी मांगकर समझौता करता है तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बागड़ी, मैं जानता हूं मेरा माफी मांगना हमारे उद्देश्य को, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसे पूरा करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूं, बराबर हानि पहुंचाएगा। लेकिन मुझे दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। राव साहब, मैं माफी का मसौदा तैयार कर रहा हूं, अगर आप उसे एक बार देख लें और आपके सुझाव दे दें तो बड़ी कृपा होगी। ठीक, मैं चलता हूं। नमस्कार।
कहिए, कैसे हैं? सरकारी मेहमान बनकर मजे लूट रहे हैं, कहिए क्या खबर है? आप ये मानकर मत चलिए कि मुकदमा बड़ी निष्पक्षता से चलाया जाएगा। वैसे आपका वकील तगड़ा है, वो भरसक कोशिश करे यही मनाइए। मेरे मन में जरा भी भय नहीं है, मैं तो इस मुकदमे को राजनीतिक बयान देने का एक साधन मानता हूं। कहिए गोखले कैसे हैं? सुना है उन्होंने माफी मांग ली है, उन्हें रानड़े जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपकी खबर सही है। सात समुंदर से आए हुए हमारे मित्र लोग चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही बयान दूं जो अपराध की स्वीकृति जैसा लगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जनता के हृदय में मेरा जो स्थान है वो मेरे चरित्र की मजबूती की वजह से है, और इसीलिए मैं इस तगासे के सामने झुकूंगा नहीं। हाँ, मैं ये बयान दे सकता हूं कि केसरी में जो लेख मैंने लिखे हैं वो राष्ट्रद्रोह की भावना से नहीं लिखे हैं। हालांकि सरकार के सलाहकारों को यह मान्य नहीं होगा और सरकार का इस पर विश्वास भी नहीं बैठेगा। सच्चाई तो यह है कि सरकार पूना के नेतृत्व को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन मैं औरों की तरह कच्चा बांस नहीं हूं जो मुड़ जाऊं। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी सीमा के बाद हम लोग जनता जनार्दन के सेवक होते हैं। ऐसे नाजुक मौके पर अगर हम हिम्मत हार गए तो जनता का विश्वासघात होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर लगाया हुआ जुर्म अगर साबित होता है और मुझे सजा मिलती है तो जनता जनार्दन की सहानुभूति मेरे साथ होगी, पूरा राष्ट्र मेरे साथ होगा। इसी समय की एक घटना ने बंगाल को जड़ से हिला दिया और देश भर में तहलका मचा दिया। सरकार ने बंगाल के बड़े सूबे को, जिसमें उस समय बिहार भी शामिल था, दो हिस्सों में बांट दिया, यानी पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया। बंगाल के मध्य वर्ग की कौमियत को इस बंटवारे से बहुत ठेस पहुंची। बंगाल में एक जबरदस्त ब्रिटिश विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा। जमींदारों और भारतीय पूंजीपतियों ने भी इसका साथ दिया। स्वदेशी की पुकार पहले उसी समय सुनी गई जब ब्रिटिश माल का बॉयकॉट होने लगा। आओ आओ भाइयों, आओ और अंग्रेजी सामान को जला दो। लोकमान्य तिलक की जय! लोकमान्य तिलक की जय! लोकमान्य तिलक की जय! मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से आज हमें कुछ करने का मौका मिला है। बंगाल के बंटवारे ने हमें साफ साफ बता दिया है कि अब भाषणबाजी के दिन लग गए हैं, अब कुछ कर दिखाने के दिन आए हैं। भाइयों, आप लोगों ने, लाखों लोगों ने जो राय ली थी, सरकार उसे दो कौड़ी की मानती है। जनता जनार्दन की राय सरकार के आगे एक पानी की लहर है जो सरकारी पत्थरों से टकरा टकरा कर छहर छहर हो जाती है और इतना सा मुंह लेकर वापस आती है। इसीलिए, बस इसीलिए हमने स्वदेशी का नारा लगाया है, अंग्रेजी साजो सामान का बायकॉट। किस लिए? इसलिए कि सरकार के सिर पर घमंड का जो भूत सवार है वो तभी उतरेगा जब हम सरकार को चिकोटी काटेंगे। सरकार जनता जनार्दन को घास फूस और तिनका समझती है। सरकार ये नहीं जानती कि जब घास फूस इकट्ठा हो जाता है, एक में एक हो जाता है, तो एक ऐसी मजबूत रस्सी और रस्सा बन जाता है जो एक हाथी तो क्या, अनेक हाथियों को बांध सकता है। केलकर, यह खबर पहले वाले पन्ने पर छपनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार गोपाल राव, आइए आइए आइए, बैठिए। गोपाल राव, आपका अभिनंदन। आपने हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस बार इंग्लैंड में जो काम करके दिखाया है उसके लिए मैं अपनी और अपने सहयोगियों की तरफ से आपकी तारीफ करता हूं। मैं इसे अपना गौरव समझता हूं। आपने स्वदेशी के मामले को लेकर लोगों को जो इकट्ठा किया है उसके लिए मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सदस्यों से मिले होंगे, हमारे निषेध के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही?
मुझे लगा कि वहां हमारी मांगों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, उनकी सच्चाई भी उनके समझ में आ रही है। वहां लंदन में मेरी जॉन मॉर्ली के साथ काफी लंबी बातचीत हुई। ये वही जॉन मॉर्ले हैं जो अगले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। कुल मिलाकर वो मुझे हमारी समस्याओं के बारे में सहानुभूति रखने वाले लगे, और मुझे ये भी लगा कि उनसे अच्छा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दूसरा कोई आदमी नहीं बन सकता। आपके आशावाद की तारीफ करना चाहता हूं गोपाल राव। क्या आपको वाकई ये भरोसा है कि ये मॉर्ले नामक व्यक्ति हिंदुस्तान की भलाई चाहता है? हाँ, वो मेरी कई बातों से सहमत हुए थे। आप सिर्फ शब्दों के आधार पर अंग्रेजों को अपनी तरफ नहीं कर सकते। हम शब्द से नहीं बल्कि कृति से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो क्या आप ये सुझाव देना चाहते हैं कि हम ब्रिटिश माल की बॉयकॉट की धमकी को सच करके दिखा दें? हमें सिर्फ यही करना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अगर बॉयकॉट की धमकी सच हुई तो आज तक के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हम अपने लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे। गोपाल राव, हमारा लक्ष्य अब सिर्फ इतना ही है कि हमें सरकार को दिखा देना है कि उनके तरीकों से राज नहीं चल सकता। हम अपने लक्ष्य से तब बिछड़ जाएंगे जब अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम अपनी फरियादें भूल जाएंगे। बलवंत राव, बॉयकॉट करने से अंग्रेजों में क्रोध फैल कर रहेगा। देश का भला चाहने वाले को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं। तो जाइए और अंग्रेज के सामने दामन फैलाकर भीख मांगिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं गोपाल राव कि भीख मांगने से कुछ नहीं हासिल होगा? जब तक हम ये साबित नहीं करते कि ताकत हमारे पास है, हम भी कुछ कर सकते हैं, तब तक हमारी फरियाद सुनने की फुर्सत है किसे? हम ब्रिटिशों को इस बात पर राजी कर सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जो बड़ी जिम्मेदारी से हमारी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इसीलिए सरकार के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। बड़ा हिस्सा? आपको वो लोग बड़ा हिस्सा देंगे? वो लोग आपको इतना सा टुकड़ा भी नहीं देंगे। लेकिन मिस्टर मॉर्ली, उन्होंने मेरी बात का स्वागत किया था। मुझे विश्वास है बलवंत राव, वो लोग हमें काउंसिलों में ज्यादा नुमाइंदगी देंगे। आप जो कह रहे हैं, लड़ाकूपन करने से सब काम चौपट हो जाएगा। गोपाल राव, जरा आप बाहर निकलकर देखिए, सुनिए लोग हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं। कांग्रेस को बने हुए 20 साल हो गए, हमने वकालत की, अर्जी की, उसका क्या हुआ? हम अधिवेशन करते हैं, गंभीर होकर बड़े बड़े भाषण करते हैं, अंग्रेजों के पास दो दाने मांगते हैं, क्या मिला? हम जहां थे वहां है, और हमारी जनता हमसे आगे बढ़ चुकी है। मैं अपना ढर्रा बदलने का संकल्प कर रहा हूं, और एक आप हैं जो पुरानी लीक पकड़े हुए हैं। मेरी राय में हमें लोगों को समझना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ उन्हें लाना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। लोगों को अपने से अलग करके कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि आप गलत रास्ते पर हैं। खैर, जो भी हो, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के आप अध्यक्ष चुने गए हैं, मुबारक हो। हलचल की इस वेला में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपके भाषण में हालात की सच्चाई सामने आकर रहेगी। जरूर आएगी, आप चिंता न करें। सज्जनों, ये बात सत्य है कि हर चीज का अंत होकर ही रहता है। लॉर्ड कर्जन की वायसराय की अवधि का अंत होने वाला है। एक निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें काम करने की अथाह ताकत है, जिसे भाषा का वरदान मिला हुआ है, जिसमें अटूट उत्साह है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा तेज तर्रार व्यक्ति भी सहानुभूति और कल्पना का अभाव होने की वजह से हिंदुस्तान के लोगों को समझ नहीं पाया। जनसाधारण की आकांक्षाओं के लिए लॉर्ड कर्जन के दिल में कोई हमदर्दी नहीं है।
यही नहीं, प्रजा में जब भी आकांक्षा की लहर उठती उन्हें नजर आती है तो वो सोचते हैं कि इसे उभारने की बजाय दबाने में ही उनके देश की भलाई होगी। देश की सेवा का क्या ही खूबसूरत तरीका है यह। नतीजा यह कि उनकी कार्यावधि के समाप्ति पर पूरे देश भर में हमें व्यापक असंतोष दिखाई दे रहा है, जितना पहले कभी दिखाई नहीं दिया। बंगाल का बंटवारा बेरहमी के साथ कर दिया गया, हालांकि इतना जबरदस्त विरोध हुआ जितना पिछली आधी शती में किसी भी सरकारी कदम के खिलाफ नहीं हुआ था। और यह बंटवारा हुआ बंगाल के सम्मानित और आदरणीय नेताओं की राय लिए बगैर, एक कठोर और अनियंत्रित नौकरशाही के दमनकारी रवैये के खिलाफ बंगाल की जनता ने जो तेजस्वी रुख अपनाया है वो चमत्कार है, और समूचा हिंदुस्तान बंगाल का एहसानमंद है। आंदोलन के जो नए तरीके उभरे हैं उनमें स्वदेशी का आंदोलन, आर्थिक आंदोलन होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। लेकिन बॉयकॉट शब्द एक किस्म का बेमजा मेल जाहिर करता है। वो इशारा करता है, एकदम संकेत करता है दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की हिंसा वृत्ति का। हमारे इंग्लैंड के साथ जो आम संबंध हैं उन्हें देखते हुए ऐसी वृत्ति अपनाने का हमारी तरफ से सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का शासन हिंदुस्तान के लोगों के हक में होना चाहिए। धीरे धीरे यहां एक ऐसी शासन पद्धति ईजाद होनी चाहिए जो आज ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों में विद्यमान है। हिंदुस्तान की तमाम शिकायतों का एक ही इलाज है और वो है स्वशासन। आज वो दिन आ गया है कि ब्रिटिश नौकरशाही को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के शिक्षा पाए हुए वर्गों के हक में अपनी कुछ शक्ति त्याग दें। अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान विश्व के राष्ट्रों में अपना उचित स्थान पाएगा, तभी हिंदुस्तान स्थितियों का स्वामी कहलाएगा, भाग्य विधाता बन जाएगा। हमें इसी लक्ष्य को पूरा करना है, हमें ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना है। पत्रकार बंधुओं, आप मुझे प्रश्न पूछे उसके पहले मैं अपनी और अपने सहयोगियों की जो इस समय कांग्रेस में शामिल हैं स्थिति का खुलासा करना चाहता हूं। हमारी राजनीति के संदर्भ में आजकल दो नए नए शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हैं नरम दल और गरम दल। इन शब्दों का सीधा संबंध समय के साथ है, यानी समय के साथ साथ ये शब्द अपना अर्थ बदलते रहेंगे। जैसे कि आज जो गरम दल है वो आने वाले कल नरम दल कहे जाएंगे, और आज जो नरम दल हैं वो कल गरम दल कहे जाते थे। जब हमारी कांग्रेस नई नई बनी थी तब दादा भाई नौरोजी ने जो विचार अपने जनता के सामने प्रस्तुत किए थे उस जमाने में उन विचारों को गरम दलवादी कहा गया था, लेकिन आज वही विचार नरम दलवादी माने जाते हैं। इसके माने गरम दल प्रगति की सूचना देता है। आज हम लोग गरम दलवादी माने जाते हैं, लेकिन आने वाली हमारी संतानें अपने आप को गरम दलवादी मानेंगी और हमें नरम दलवादी। जब भी कोई नई पार्टी शुरू होती है तब उसे गरम दलवादी कहा जाता है, परंतु अंत में वो नरम दलवादी कहकर ठंडी हो जाती है। तो क्या आपके कथन से ये मान लिया जाए कि आप इसी गरम दल के प्रतिनिधि हैं और मिस्टर गोखले नरम दल के? जी हाँ। और बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन में मिस्टर गोखले के भाषण से क्या ऐसा मान लिया जाए कि वे अब गरम दल की विचार की दिशा में मुड़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप दोनों एक ही दल में शामिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बनारस में जो मिस्टर गोखले ने रुख अपनाया था उससे ज्यादा वो मोड़ नहीं ले सकते। उनका रुख देखते हुए मैं उन्हें गरम दलवादी नहीं कह सकता, हाँ ज्यादा से ज्यादा कम नरम दलवादी कह सकता हूं। तो आप अपने दल और गोखले साहब के दल के बीच में कौन सा बुनियादी फर्क मानते हैं? मेरे विचार में ये सरकार हमारे काम की नहीं है। किसी देश में विदेशी सरकार का बना रहना ये असफल शासन की निशानी है, और इसी के कारण वो शासन स्थायी नहीं होता। यहां तक हम दोनों विचारधाराओं में मतभेद नहीं है, मगर मैं यही बात इस तरह से कहता हूं, ये विदेशी सरकार ने हमारे देश को तबाह कर दिया है।
आदरणीय दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें बताया था कि हमारे देश को निचोड़ा जा रहा है और अगर ये हालात रहे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। और इसी के लिए दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड गए, वहां 20 साल तक रहे और अंग्रेजों को यह समझाते रहे कि हिंदुस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? 82 साल की वो वृद्ध आत्मा वापस लौटती है खाली हाथ, निराश होकर। गोखले साहब अभी तक निराश नहीं है, वो मेरे मित्र हैं, मुझे विश्वास है कि उनकी ये पक्की धारणा है। गोखले निराश नहीं, उदास नहीं, वो और 80 साल तक इंतजार करने को तैयार हैं और अंत में हमें ये बताएंगे कि वो भी दादा भाई नौरोजी की तरह निराश हो गए हैं। हम अब इंतजार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि समस्या को सुलझाने का आप कोई दूसरा हल रखते हैं ना? रखते हैं। वो दल ब्रिटिश राष्ट्र को अपील करने में विश्वास रखता है, हम नहीं रखते। तो फिर आपका कौन सा तरीका है? बायकॉट। उपाय अर्जी लिखना नहीं, बायकॉट करना है। तो क्या आप ब्रिटिश माल का बायकॉट करेंगे? जी हाँ, हम इससे भी ज्यादा कुछ करेंगे। हम सरकार को माल गुजारी इकट्ठा करने और देश में शांति बनाए रखने में मदद नहीं करेंगे। सरकार के सीमा पार की लड़ाइयों में और हिंदुस्तान के बाहर होने वाली लड़ाइयों में हम हिंदुस्तानी खून और हिंदुस्तानी रुपया नहीं देंगे। सरकार को न्याय और प्रशासन में मदद नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो टैक्स भी नहीं देंगे। पर गोखले साहब की यह पुख्ता राय है कि हमें संवैधानिक तरीकों से आंदोलन करना चाहिए। संवैधानिक? कौन सा संविधान, कहां का संविधान? अगर आपकी जेब में कोई हिंदुस्तान का संविधान पड़ा हो तो बाहर निकालकर हमें दिखाइए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में संविधान नाम की चीज कोई दिखाई नहीं देती जो इंग्लैंड के इतिहास में दिखाई देती है। अगर गोखले साहब संविधान पर विश्वास रखते हैं तो बिलाशक रखें, लेकिन हमें संविधान में यकीन दिलाने पर वो अपना मजाक न उड़ाएं। तो आप ये मानते हैं कि नरम दलवादी तरीके किसी काम के नहीं है? मैं यूं कहना चाहूंगा कि किसी भी साम्राज्य के इतिहास में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो दिखाता हो कि शासक ने शासित को अपनी इच्छा से कारोबार सौंपकर साम्राज्य खो दिया हो। कोई भी साम्राज्य इसलिए समाप्त नहीं होता कि शासक अपनी प्रजा के हाथ में हंसी खुशी साम्राज्य और ताकत रख दें। ताकत मिलती है आगे बढ़कर हासिल करने से, उसे छीनने से। बड़ी अजीब बात है चिटनवी साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में ना बुलाया जाए? नागपुर गरम दल वालों का गढ़ है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है। हम तो खुद इससे खुश नहीं है। लेकिन हमने लाहौर में अधिवेशन बुलाने की बात इसलिए बदल दी थी क्योंकि हमें भय था कि वहां भी गरम दल वालों का जोर है। गोपाल राव, अब मैं आपसे क्या कहूं, इन लोगों ने हमारे नागपुर वाली सभी कमेटियां हथिया ली हैं। चुने हुए लोगों का कहना है कि अगर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो अधिवेशन में हुल्लड़ मचाएंगे। तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे? उन लोगों के सभी तौर तरीके हुल्लड़बाजी से कम नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या ये वही नई जान है जिसके गीत ये गरम दल वाले गाते फिरते हैं? अगर हां तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं। भाई कुछ भी कहो, हमें नागपुर में अधिवेशन नहीं बुलाना चाहिए, हमें यह स्थान बदल ही देना चाहिए। अगर नागपुर में होगा तो ना जाने क्या क्या देखना पड़े। मैं समझ गया, ये बातें मैं दूसरों के सामने रखता हूं, हो सकता है कोई दूसरा प्रदेश अधिवेशन बुलाने के लिए राजी हो जाए। अब की बार कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होने जा रहा है, अच्छा है, हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचेंगे। लेकिन याद रहे, हम लोग वहां कांग्रेस में तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे हैं और ना ही हम अलग से कोई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि कांग्रेस अब पीछे ना हटे। हमारा लक्ष्य है स्वराज, हमें उसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहिए। जो लोगों ने कांग्रेस को सूरत में खींचा है वही लोग कांग्रेस का पांव खींचेंगे। हालांकि नागपुर अधिवेशन को बुलाने के लिए तैयार था, ये स्वेच्छाचारी लोग कांग्रेस को अपंग बनाने पर आमादा है और इसीलिए स्वराज्य और बायकॉट के प्रस्ताव का वो लोग विरोध करते हैं।
अब संघर्ष है सिर्फ दो सिद्धांतों के बीच। पहला सिद्धांत, हम वही करेंगे जो सही है, और दूसरा, करो लेकिन सरकार को नाखुश मत करो। हमारा दल पहले वाले सिद्धांत में विश्वास रखता है, हम लोग वही करेंगे जो हमें सही लगता है। अब सरकार को खुश होना है तो होती रहे, और नाखुश होना है तो ना होती रहे। पिछले साल स्वराज्य का झंडा फहराया था द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया ने, दादा भाई नवरोजी ने। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजबिहारी घोष के परिचय कराने में मैं अपना गौरव मानता हूं। बोलने की इजाजत चाहता हूं। मैंने आपको अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में संशोधन का एक नोटिस दिया था मिस्टर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आप मंच से उतर जाएं। मुझे बोलने का पूरा अधिकार है, मैंने लिखित रूप में इजाजत मांग ली थी और चेयरमैन साहब से बात भी की थी। मुझे अपने प्रतिनिधियों के साथ सीधे बोलने का अधिकार है। मिस्टर तिलक, आप अपने निषेध का काफी प्रदर्शन कर चुके हैं, अब आप इस मंच से हट जाइए। बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने की इजाज़त दो, बोलने की इजाज़त दो। शेर, 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 शेर। आप मंच से उतर जाइए। मैं नहीं उतरूंगा, जब तक मुझे यहाँ से बोलने नहीं दिया जाता मैं नहीं हटूंगा। हटाओ इसको, उठा के फेंक दो उसको। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। आप बोलिए तिलक जी। फिजा इनकलाबी नारों से गूंज रही थी, लोगों में एक उफान था और ऐसा लग रहा था कि झगड़ा होकर रहेगा। नर्म दल कांग्रेस पर हावी हो गया, नर्म दल जीत तो गया मगर देश में अपनी लोकप्रियता खोकर, क्योंकि तिलक का गर्म दल जनता में कहीं ज्यादा लोकप्रिय था। कांग्रेस कमजोर पड़ गई और कई सालों तक उसका असर नाम भर का ही रह गया। गर्म दल के नेता जेल में डाल दिए गए और उनकी हिम्मत पस्त हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया और हिंदुस्तान पर फिर से सियासी उदासीनता छा गई। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर। जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर।